दोस्तों अभी मैं 4 लाइन पर हूँ और आप सभी को सुबह की राम राम और सभी को भाइयों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा सा और एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यातायात के नियमों के पालन करें। अभी देखो मैं चल रहा हूँ, ये 4 लाइन है। अभी एक आपको बात बताऊंगा, मान लो जहाँ मैं चल रहा हूँ इस ये लाइन पे डिवाइडर साइड, ये लाइन 4 व्हीकल्स या हैवी व्हीकल्स के लिए ही होती है। और जब हम कोई मतलब साइड लेते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो हमको उस साइड से लेना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड से हमको ओवरटेक करना चाहिए और लेफ्ट साइड ही मतलब हमको आगे निकलना चाहिए। दोस्तों अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि को इधर साइड ही चलते हैं, तो दोस्तों उस साइड नहीं चलना है। अगर आपको कंटिन्यू जिस स्पीड में चलना है, आप इस स्पीड में आप इस लाइन में चल सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए होती है ये लाइन, क्योंकि हम जिस स्पीड में चाहें आप 40 चलें 50 चलें, तो आप इस लाइन में चलते रहें। क्योंकि अगर जिसको आगे जाना होगा, जिसको आपसे पास लेना होगा, वो आपके बगल से पास लेके अपने स्पीड अनुसार जा सकता है। तो दोस्तों ये और बाइकों का हमेशा उस साइड रहना चाहिए, इस साइड नहीं। अभी ये देखो साहिबान उल्टा आ रहे हैं 4 लाइन पर, ये देखो मैं बीवी बच्चों के। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसी गलतियां जान ही ले लेती हैं बिल्कुल। ये हादसे हमारी ऐसी गलतियों से होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों कभी भी हाईवे पर रॉन्ग साइड नहीं चलना है, किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। आपको 2 मिनट यूटर्न लेके आ सकते हैं आप, ऐसी कंडीशन में यूटर्न का इस्तेमाल करना है, यूटर्न लेना है। कहीं भी बिल्कुल आप रॉन्ग साइड नहीं चलना है दोस्तों, किसी भी कीमत पे। अच्छा, जो बाइक चलाते हैं लोग, हम कुछ लोगों को देखते हैं कि बाइक इस साइड चलाते हैं, ये डिवाइडर साइड, दोस्तों बिल्कुल भी इस साइड बाइक नहीं चलानी है आपको, क्योंकि ये हैवी व्हीकल्स के लिए होती है। और आपको अगर आप बाइक से राइड कर रहे हैं, तो आप उस साइड बिल्कुल कर सकते हैं, पल्ली साइड, लेफ्ट साइड में लास्ट में आप बाइक चला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखो आप जब पालन करोगे, अभी ये साहिबान देखो ये रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ये देखो क्या कहोगे इनको। अभी ये देखो मोहतरमा आ रही है, एक लेडीज़ हैं और रॉन्ग साइड आ रही हैं, ये देख लो, ये देखो। अब ये छोटी सी गलतियाँ ही हादसे का शिकार होती हैं, तो हम लोग ही जागरूक होंगे दोस्तों, तभी कुछ आगे हो सकता है। क्योंकि आप एक दूसरे को बताएंगे, आप खुद नियमों का पालन करेंगे, और फिर मतलब दूसरों को भी नियम का पालन कराएंगे, तभी तो सुधर सकते हैं, नहीं तो नहीं कहाँ सुधर सकते। अभी आप ये देखो, आप एक स्कूल की बस, ये एक स्कूल की बस है जो कि अभी रॉन्ग साइड आ रही है, इसको भी यू टर्न लेने में दिक्कत हो रही है। ये देखो स्कूल की बस रॉन्ग साइड। अभी कोई हादसा हो जाता है तो ये स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा बच्चों का, या फिर ये ड्राइवर होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये प्रशासन इस पे कड़ा एक्शन ले, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है स्कूल प्रशासन। क्योंकि अभी इसमें बच्चे सवार थे और ये रॉन्ग साइड चल रहा है, क्या कोई स्कूल का अधिकारी इनसे बोलता है कि रॉन्ग साइड चलो, या ड्राइवर अपनी मर्जी से रॉन्ग साइड ला रहा है? ये दोस्तों सरासर गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर इतनी सी गलती से हमारे यहाँ पर हादसे होते हैं, अभी आपने एक हादसा सुना होगा, वो नानक मत्ता से एक बस आ रही थी बच्चों को लेके स्कूल की, वो बस रॉन्ग साइड थी और उसमें एक भिड़ंत होती है ट्रक की और स्कूल बस की, उसमें एक बच्चे की शायद दर्दनाक मौत भी हो जाती है उसमें। तो ऐसी लापरवाही दोस्तों हादसे का शिकार बनती है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था इस वीडियो में। और ये वीडियो अभी मॉर्निंग में, ये वीडियो है आपका क्या बोलते हैं, ये ईशानगर चौकी का, खास जहाँ पुलिस प्रशासन की चौकी है ईशानगर, बिलासपुर थाना रामपुर उत्तर प्रदेश, उस प्रशासन के सामने से ही ये बस रॉन्ग साइड जा रही थी, लेकिन किसी को उसको राइट यू टर्न लेने के लिए नहीं बोला गया होगा और ना ही उसने यू टर्न लिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं गलती है दोस्तों। अभी आप इस ट्रैक्टर को देखो, ये देखो रॉन्ग साइड चल रहा है, ये भी कोई सरदार जी हैं, देखो ये कोई परवाह नहीं हादसों की, कोई परवाह नहीं किसी की जान की, बस हमको जैसे चलना है चलते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद दोस्तों।